शेख चिल्ली ससुराल में शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था। उसकी माँ बहुत गरीब थी। शेख चिल्ली का पिता मर चुका था। उसकी माँ बेचारी किसी तरह शेख चिल्ली को पालती पोसती थी। शेख चिल्ली स्वभाव से नटखट तो था ही, साथ ही वह बेवकूफ भी था। उसकी बेवकूफी के कारण उसकी माँ को बहुत से उलाहने सुनने पड़ते थे। अंत में एक दिन उबकर उसने शेख चिल्ली को घर से निकाल दिया। शेख चिल्ली घर से निकल कर पड़ोस के एक दूसरे गाँव में चला गया। वहां उसने एक झोपड़ी बनाए और रहने लगा। उसका स्वभाव बहुत ही खुशदिल था, इसलिए गांव के लोग उसके मित्र हो गए। उन्होंने उसकी बड़ी मदद दी और उसका रोटी पानी का खर्च चलने लगा। उसकी जिंदादिली गांव के मुखिया की लड़की रजिया उस पर आशिक हो गई। गांव के कुछ नौजवान भी शेख चिल्ली के हिमायती थे। उन्होंने एक दिन दबाव डालकर मुखिया की लड़की रजिया से उसकी शादी करा दी। शेख चिल्ली को शादी में दान दहेज में बहुत कुछ रुपए तथा जेवरात भी मिले। शेख चिल्ली अपनी औरत तथा शादी में मिले हुए रुपए और जेवरात लेकर अपने गांव वापस लौट आया। गांव में लौटकर शेख चिल्ली अपनी माँ से मिला तथा बोला, माँ देख, मैंने मुखिया की लड़की से शादी कर ली है। शेख चिल्ली की माँ ने देखा कि बेटा बगल के गांव वाले मुखिया की लड़की से शादी कर लाया है। उसकी माँ ने यह भी देखा कि शेख चिल्ली दहेज में बहुत सी दौलत तथा सामान इत्यादि ले आया है, तो वह मन ही मन बहुत खुश हो गई। परंतु वह जानती थी कि शेख चिल्ली एक बिल्कुल बेकार लड़का है। इसको पैसा कमाने का कोई भी हुनर मालूम नहीं। इसलिए वह कहने लगी, बेटा तू महलान तो आदमी है, तेरे किए कुछ भी होने का नहीं। ये सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ मैंने इतना बड़ा काम किया है, क्या ये कम है? उसकी माँ ने कहा, बेटा ये बिल्ली के भाग्य से छीका टूट गया है। तू अगर अपने मन से जान बूझ कर कोई काम करे और उसमें कोई तरक्की करके चार पैसे कमा कर ला सके तो मैं जानूं, तू मुझे बुढ़ापे में सुख नहीं दे सकता। ये सुनकर शेख चिल्ली ने कहा, माँ तू ऐसा मत बोल, मैं वक्त आने पर तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह कुछ और वक्त बीत गया। उसकी औरत नहर चली गई और एक साल बीत गया। एक दिन उसने ससुराल जाने की ठान ली। मान से पूछा, अम्मी जान मेरी ससुराल कहाँ है, मुझे उसका पता बताओ ताकि मैं वहाँ एक बार हो आऊं, मैं भूल गया हूँ। इस पर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझ में अक्ल तो है ही नहीं, इसलिए अगर मैंने पता बताया तो तू भूल जाएगा, इसलिए मेरी बात का ख्याल रखे तो सीधा अपने ससुराल पहुंच जाएगा। ये कहकर उसने कहा, बेटा तू सीधा अपनी नाक की सीध में चले जाना, कहीं से इधर उधर मुड़ना नहीं, बस सीधे अपनी ससुराल पहुंच जाएगा। ये सुनकर शेख चिल्ली सीधन ससुराल को चल दिया। चलते चलते उसकी माँ ने कहा, बेटा जो साग सत्तू घर में था मैंने बांध दिया है, ये पोटली लेता जा और भूख लगने पर यही साग सत्तू खा लेना। शेख चिल्ली अपने घर से चलकर सीधा अपने नाक की सीध में रवाना हुआ। वह जब अपने घर से सीधा मैदान में दो तीन कोस निकल आया तो सामने एक दरख्त पड़ा। उसने सोचा, माँ ने नाक की सीध में चलने को कहा था। ये सोचकर वह पेड़ पर चढ़ गया और फिर दूसरी तरफ से उतर फिर नाक की सीध में रवाना हुआ। आगे चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी को बड़ी मुश्किल से पार किया और आगे चल पड़ा। इसी प्रकार चलता हुआ वह आखिरकार अपनी ससुराला पहुंचा। ससुराल पहुंचने पर उसकी भली भांति खातिरदारी की जाने लगी, परंतु उसने साग सत्तू छोड़कर कुछ भी खाना स्वीकार न किया क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा ही कहा था। रात को बचा खुचा साग सत्तू खाकर सो रहा। रात्रि को उसे भूख सताने लगी। अब वह क्या करे, आखिर भूख से उबकर वह बाहर निकल आया और मैदान में एक दरख्त के नीचे लेट गया। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा छत्ता था। छत्ता मधु से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि उसमें से रात को मधु टपकता था। शेख चिल्ली जब उस वृक्ष के नीचे लेटा तो ऊपर से उसके बदन पर मधु टपकने लगा। मधु की कुछ बूंदे उसके मुंह में टपकी तो वह उसे चाटने लगा और बड़ा खुश हुआ। कुछ बूंदे उसके बदन पर भी टपकती रही और वह परेशान होकर इधर उधर करवटें बदलता रहा। शेख चिल्ली बेवकूफ तो था ही, उसे इस बात का पता नहीं लग सका कि आधे पेड़ पर से क्या चीज उसके बदन पर टपकती है। निदान लाचार होकर वह वहां से उठा और घर के भीतर घुसकर एक कोठरी में जाकर सो रहा। उस कोठरी के अंदर भुनी हुई रुई रखी हुई थी। शेख चिल्ली को नर्म नर्म रुई मिली तो उसी में आराम के साथ जाकर सो रहा। उसके बदन के चारों ओर शहद तो लिप्त हुआ था ही, अब भुनी हुई रुई उसी के साथ बदन भर में चारों ओर चिपक गई और उसका बदन और उसकी शक्ल अजीब किस्म की हो गई। सुबह हुई तो शेख चिल्ली की औरत कुछ रुई निकालने उस कोठरी में घुसी। तब तक शेख चिल्ली जाग उठा था। उसको ऐसे रूप में देखकर उसकी औरत चीख उठी। उसने हिम्मत बांध कर पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने जोर से डांट कर कहा, चुप। वह बाहर भागी और अपनी माँ से जाकर कहा, अम्मा उस रुई वाली कोठरी में चुप घुस आया है, उसकी शक्ल बहुत भयानक है। ये सुनकर उसकी माँ ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया।
कई लोग उस कोठरी में घुसे। शेख चिल्ली को देखकर सबने पूछा, तुम कौन हो? शेख चिल्ली ने फिर चिल्लाकर कहा, चुप। अब तो उसका ऐसा रूप देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गम हो गई। सब समझे चुप नाम की कोई भयानक बला घर में घुस आई है। उसे निकालने के लिए किसी सयाने को बुलाना चाहिए। कई एक ओझा मौलवी बुलाए गए। सबने कितने ही मंत्र जंत्र किए मगर वह चुप नाम की बला नहीं निकली। आखिर हार कर मौलवियों ने सलाह दी कि आप लोग यह मकान खाली करके किसी दूसरे में चले जाए, वरना वह बला आप लोगों का सत्यानाश कर देगी। शेख चिल्ली के ससुराल वालों ने यह मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में चले गए। शेख चिल्ली को अवसर मिल गया और वह रात्रि के समय उस कोठरी से निकलकर बाहर की ओर भागा। रास्ते में कुछ चोर दिखाई पड़े। आगे एक किसान के बहुत से भेड़ वगैरह बंधे थे। शेख चिल्ली चोरों के डर के मरे उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच जा घुसकर बैठ गया। उधर वे चोर भी उसी तरफ आ पहुंचे। चोरों ने कई एक भेड़ों को चुरा लिया। उन्हीं में शेख चिल्ली ने को भी रुई से लिपटा हुआ देख कोई दुम्बा भेड़ समझकर साथ लेकर भाग चले। भागते भागते वे नदी के किनारे आ पहुंचे। इतने में सुबह होने लगी। उन्होंने सब भेड़ों को जमीन पर पटक दिया। ये देखकर शेख चिल्ली ने कहा, मुझे थोड़ा धीरे से पटकना। उसकी आवाज सुनकर चोरों की नानी मर गई। उन्होंने समझा कि यह कोई भेड़ के रूप में भयानक बला है जो कि इस तरह बोलती है। उन्होंने शेख चिल्ली को पानी में फेंक दिया और भाग चले। उधर पानी में शहद घुल जाने के कारण शेख चिल्ली के बदन पर चिपकी हुई रुई साफ हो गई। उसने बदन मलमल कर स्नान किया और सुबह होते ही ससुराल आया। दूसरे मकान में जाकर अपने ससुर को मिला और पूछा, आपने मकान क्यों छोड़ दिया? ससुर ने कहा, मेरे मकान में कोई चुप नाम की बला घुस गई है। शेख चिल्ली ने झूठ मूठ जाकर कोई मंत्र पढ़ दिया और फिर कहा वह बला चली गई। आखिर सब लोग उसी मकान में चले आए। शेख चिल्ली की बड़ी खातिरदारी हुई। वह ससुराल में ही रहने लगा। एक दिन उसने ससुर से कहा, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे एक गाड़ी बनवा दीजिए। दिन में लकड़ियां काटूंगा और गाड़ी में लादकर बाजार में बेचूंगा। ससुर ने एक बैलगाड़ी बनवा दी। शेख चिल्ली ने जंगल से लकड़ियां लाने के लिए बैलगाड़ी जोती। बैलगाड़ी लेकर वह चला तो कुछ आगे जाकर गाड़ी जंगल में चर्रचू चर्रचू की आवाज करने लगी। शेख चिल्ली ने सोचा, यह मेरे कारोबार का पहला दिन है और यह गाड़ी साली अपशकुन कर रही है। आरे की मदद से गाड़ी को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया तथा उसे वहीं फेंक फांक कर आगे लकड़ी काटने चल दिया। शेख चिल्ली एक मोटा पेड़ देखकर उसी पर चढ़ गया। एक बहुए ही मोती डाल पर जा बैठा और कुल्हाड़ी से काट कर जब थक गया तो आरा हाथ में उठाकर उसी से उसने उस डाल को काटना शुरू किया। इतने में एक आदमी नीचे गुजरा। उसने जब शेख चिल्ली को डाल काटते देखा तो ठहर गया। गौर से देखने पर उसको मालूम हुआ कि शेख चिल्ले उसी डाल को डांट रहा था जिस पर कि वह बैठा हुआ है। उसने कहा, अरे मूर्ख, तू जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। इस तरह तू डाल के साथ साथ खुद भी नीचे गिर जाएगा। शेख चिल्ली ने कहा, अरे जा जा, मैं भला जमीन पर कैसे गिर सकता हूँ। वह आदमी वहीं ठहर गया। थोड़ी देर में डाल कट गई और डाल के साथ साथ शेख चिल्ली भी नीचे आ गिरा। तब शेख चिल्ली उसको कहने लगा, आप तो बहुत बड़े आदमी मालूम होते हैं, मुझे ये तो बताइए कि मैं कब मरूंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता, मगर शेख चिल्ली कहाँ छोड़ने वाला था। उसने उसका पीछा पकड़ लिया तो उसने छुड़ाने के लिए कहा, तू आज शाम को मर जाएगा। ये कहकर वह आदमी तो चला गया। अब शेख चिल्ली ने सोचा कि मुझे आज शाम को मर ही जाना है तो अच्छा है कि पहले से ही कब्र के अंदर ले जाऊं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों को कब्र खोदनी ना पड़े। ऐसा सोचकर वह उसी जंगल में एक गड्ढा खोदकर उसमें लेट रहा। उसी तरफ से एक आदमी जा रहा था। उसके पास एक मटका था। वह आवाज लगाता जा रहा था कि अगर कोई इस मटके को मेरे घर तक पहुंचा दे तो मैं उसे 2 पैसे दूंगा। ये सुनकर शेख चिल्ली झटपट कब्र के अंदर से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, लाओ मैं तुम्हारा मटका ले चलता हूँ। ये सुनकर उस आदमी ने वह मटका शेख चिल्ली के हवाले किया। शेख चिल्ली उसे लेकर चल पड़ा। रास्ते में ये सोचता जा रहा था कि मुझे उसकी मजदूरी के 2 पैसे मिलेंगे, 2 पैसे का एक अंडा खरीदूंगा, उसे अंडे से मुर्गी पैदा होगी, उस एक मुर्गी से बहुत सी मुर्गियां पैदा होंगी, उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूंगा, बकरी से बहुत सी बकरियां होंगी, उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीदूंगा, उस गाय से बहुत सी गाय पैदा होंगी, उन्हें बेचकर घोड़ी से बहुत सी घोड़ियां पैदा होंगी, उन सबको बेचकर बहुत से रुपए मिलेंगे, तब मैं अपना मकान बनाऊंगा, फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने निकालूंगा, फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा, फिर घर में ठाट से शाम को बैठक में हुक्का गुदगुदाऊंगा, औरत बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए भेजेगी। उस वक्त मैं हुक्का गुदगुदाते हुए जोरों से सिर हिलाकर कहूंगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा।
शेख चिल्ली ने जो ही अपने ख्यालों में जोरों से सिर हिलाया कि वह मटका सिर पर से गिरकर फूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया। इस अपर उस आदमी ने शेख चिल्ली की अच्छी खासी मरम्मत की। शेख चिल्ली का सपना टूट गया।